कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन ब्लॉगर पूजा शर्मा। और आज है संडे और तारीख है आज शायद 29 सितंबर। और संडे है आज और आपको पता है आज से नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और सबका फास्ट होगा, आज मेरा भी फास्ट है। और अभी टाइम हो गया है 10:30 का, तो थोड़े से कपड़े रहे थे मुझे धोने के लिए, पर्दे वगैरह, तो मैंने अभी धो लिए हैं। और मैं अभी छत पे आई थी उसको डालने, और अभी बाहर बारिश लग गई है, तो अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, बट मैंने बाहर ही रखे हैं अभी पर्दे। तो ज़्यादा बारिश लगेगी तो फिर मैं ले आऊँगी, फिर अंदर रह दूँगी। तो अभी सारा काम मेरा हो गया, जैसे यहाँ से लगाते थे तो सुबह जल्दी उठ के फिर झाड़ू वगैरह जल्दी से किया, थोड़े बर्तन थे धोने को शाम के वो भी धोए, और फिर नहा के थोड़ी पूजा वगैरह करके अपने उसके बाद कपड़े भी धो लिए मैंने। तो अब मैं जाऊँगी चाय बनाने। तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, और माता रानी आप पे, आपके परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी करें और हमेशा आप लोगों को सुखी रखें। तो चलिए फिर थोड़ी देर के बाद करते हैं आपसे बात। अब ये टाइम है अगली सुबह का, क्योंकि कल मैं इसको कंटिन्यू नहीं रख पाई व्लॉग को, क्योंकि मुझे कल कुछ काम आ गया था, तो फिर मैं आज इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और अभी मैं पूजा कर रही हूँ, और आज है मंडे और 30 तारीख है, तो मैं पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर अभी मैंने काम कर लिया है, सारा फिनिश हो गया है, बस अभी मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि आज वो भी रूम पे ही है। तो बस फिर हम दोनों के लिए चाय बनाऊँगी। और ये मैं इतने जल्दी जल्दी पूजा नहीं कर रही हूँ, ये थोड़ा मैंने फास्ट मोड पे किया है, और इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत तेज़ तेज़ मैं पूजा कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर सब कुछ दिखाओ और फिर मतलब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम सब कुछ दिखाते हैं तो हमारा व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। वैसे तो व्लॉग लंबे ही होते हैं, बट फिर कुछ ज़्यादा ही लंबे हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा कट करना पड़ता है, थोड़ा फास्ट करना पड़ता है। तो बस इसी तरीके से, तो चलिए फिर मैं कर लेती हूँ पूजा, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए मेरी पूजा हो चुकी है ख़त्म, तो फिर चलिए अब चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ अपने। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और थोड़ा सा दूध उसको मिक्स करके डाल दिया है। मैं दूसरे तरीके से चाय बना रही हूँ, और मैं दो लोगों के लिए चाय बना रही हूँ, अपने और अपने हस्बैंड के लिए। वो जा रहे हैं, उन्हें अभी मार्केट जाना है तो किसी काम से, तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं चाय पहले बना लेती हूँ, आप चाय पी लो उसके बाद आप चले जाना। तो मैंने चाय में डाल दिया है अदरक थोड़ा सा कूट के, तो क्योंकि गर्मी अब ख़त्म हो चुकी है तो अब सर्दी आएगी, तो अभी तो अदरक वाली चाय पीने का ही मन करेगा। अभी मैं इसमें डाल दूँगी चाय पत्ती, और मैंने एक इलायची और 2-3 लौंग को भी बारीक पीस के डाल दिया इसमें, और चाय हमारी बन के तैयार है। तो मैं चाय पी लेती हूँ और ये थोड़े से चिप्स खा लूँगी, उसके बाद दिन में देखेंगे क्या करना है। तो अभी टाइम हो गया दिन का, आई थिंक 1:15 हुए हैं अभी, तो
तो अभी मैं थोड़े से फ्रूट खाऊंगी, और मेरे हस्बैंड जैसा कि मैंने बताया था आपको मार्केट गए हैं, तो वो अपने लिए लेके आए थे चाउमीन, तो वो चाउमीन खाएंगे, मैं अपने फ्रूट खाऊंगी। तो ये अभी रात का टाइम है, तो मैं अपने लिए आज बनाऊंगी साबूदाना की खिचड़ी। तो मैंने ये साबूदाना है इसको सुबह ही भिगो के रख लिया था, शायद 5 से 6 घंटे तक रखा होगा मैंने इसे भिगो के, तो अभी अच्छे से भीग गया है। तो अभी मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है और एक बारीक बारीक थोड़ा सा मीडियम साइज़ का आलू काट के रखा था, तो मैं उसको घी में डाल दूँगी, थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि वो अच्छे से पक सा जाए। और अभी मैंने इसमें डाल दिया है जीरा और थोड़ा सा धनिया, तो मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल सिम रखी है ताकि ये जल ना जाए, क्योंकि मैंने बारीक बारीक ही काटे थे आलू। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है कड़ी पत्ता, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक। तो अभी इसका कलर चेंज हो चुका है, तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी। तो अगर आप हल्दी नहीं खाते हो व्रत में तो आप हल्दी ना डालें, मैं हम खा लेते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है। तो बस अभी मसाला का कलर चेंज हो चुका है, तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी साबूदाना और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी व्रत का जो नमक होता है सेंधा नमक, और बस इसको तब तक गैस पे रखूँगी जब तक ये साबूदाना ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो बस आज मैं अपने लिए सिर्फ यही बनाऊँगी और उसके बाद अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाऊँगी, क्योंकि व्रत में ज़्यादा खाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी नहीं, तो बस मैंने सिर्फ यही बनाया है थोड़ा सा अपने लिए। तो बस अब हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मैं आज, तो इनके लिए बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। तो इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो बस इसमें मैं लहसुन प्याज नहीं डालूँगी। तो देखिए जैसे मैं इसमें टमाटर डाल लेना, तो आग का जैसा कुछ हो गया था, तो आप लोग भी बहुत केयरफुली करें ये चीज़। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी टमाटर, तो टमाटर थोड़े से गल चुके हैं, तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पाउडर और हल्दी और नमक मैंने डाल दिया था, वो क्लिप मेरे से मिस हो गई थी, थोड़ी सी मैंने डिलीट हो गई थी। ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं बिल्कुल, और बिना लहसुन प्याज के भी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है सच में गाइस, चाहे जो मर्जी सब्जी हो मतलब अच्छी बनती है। तो बस हो चुका है अभी ये मसाला, तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी पनीर। और इसके बाद फिर हम अभी जाएंगे थोड़े मार्केट ऐसे ही घूमने, मतलब ऐसे सामान तो हमें कुछ भी नहीं लेना था, बस थोड़ा सा एक दो चीज़ें लेनी है, तो फिर बस उसके बाद जाएंगे हम अभी। बस इसको मिक्स कर लूँगी और 2 मिनट गैस पे रखूँगी, और उसके बाद मैं गैस बंद कर दूँगी, और फिर उसके बाद ही बन के बिल्कुल तैयार है। उस पर रोटियाँ बना लूँगी बस। तो आप सब मुझे बताना आपने किस किस ने फास्ट रखा है, किस ने 9 दिन तक के व्रत रखे हैं, मैंने भी 9 दिन का व्रत रखा है। तो बस यही था कुछ मेरा आज का रूटीन जो मैंने आपको दिखाया, क्योंकि व्रत में
इतना ज़्यादा काम तो होता नहीं है, तो बस फिर मेरा भी कुछ ऐसा ही था, आज रात तक रेस्ट ही था तो। और हाँ, अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और हाँ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना गाइस प्लीज़, मुझे आपके हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोग मेरी हेल्प कर भी रहे हो, तो बस ऐसे ही मेरी हेल्प आगे करते रहना आप गाइस। और सबको हैप्पी नवरात्रि, और आप सभी कैसे हो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना गाइस। तो चलिए फिर, यही था मेरा आज का थोड़ा सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, वो तो आप कर ही देंगे है ना, बट कुछ लोग ना वीडियो देख वॉच करते हैं बट, सॉरी गाइस कैमरा हिल रहा है, बट वो लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लाइक भी करना ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आपके लाइक से, आपके कमेंट से। और तो चलिए फिर आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।